यात्रा पर जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित मां चामुंडा मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त उमड़े। मां चामुंडा के दर्शन के लिए मेहरानगढ़ ट्रस्ट द्वारा माकूल व्यवस्था की गई है। शाम 5 बजे तक मंदिर के पट दर्शन के लिए खुले रहेंगे। किले के बाहर और दर्शन स्थल तक पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की है। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के निर्देशन में माकूल व्यवस्थाएं की गई है और कलेक्टर गौरव अग्रवाल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बता दें, शारदीय नवरात्रा पर जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित मां चामुंडा मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी। मां चामुंडा के दर्शन के लिए मेहरानगढ़ ट्रस्ट द्वारा भी माकूल व्यवस्था की गई है ताकि आने वाले भक्तों को कोई परेशानी ना हो। शाम 5 बजे तक मंदिर के पटों को खुला रखा गया है ताकि भक्त दर्शन कर सके। किले के बाहर और दर्शन स्थल तक पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की है। वहीं पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के निर्देशन में माकूल व्यवस्थाएं की गई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जगदीश लोहार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जगदीश, आज शारदीय नवरात्रा का पहला दिन है जहां पे मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है। खास तौर पर बात करें मां चामुंडा माता मंदिर में तो दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। किस तरह का उत्साह श्रद्धालुओं में देखा जा रहा है, साथ ही सुरक्षा के कितने इंतजाम है? बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जोधपुर में मेहरानगढ़ फोर्ट स्थित मां चामुंडा का मंदिर प्राचीन मंदिर है और यहां पे जो शारदीय नवरात्र में भारी तादाद में लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ दर्शन किए जाते हैं। निश्चित तौर पे मेहरानगढ़ ट्रस्ट द्वारा और जोधपुर पुलिस प्रशासन द्वारा माकूल व्यवस्था कर रखी है किसी तरह की आपकी घटना ना हो, क्योंकि पिछली बार 2008 की बात करें तो वहाँ पे काफी लोगों की भगदड़ की वजह से मौत हो गई थी। उसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने इस बार काफी व्यवस्था कर रखी है, किसी तरह की कोई भगदड़ नहीं मचे, उसको देख के बैरिकेड भी लगा रखे हैं और मेहरानगढ़ ट्रस्ट द्वारा भी किसी तरह की आपकी घटना ना हो इसलिए पहले से ही व्यवस्था कर दी गई थी। और व्यवस्था के बावजूद भी काफी लोग हजारों की तादाद में सुबह लोग वहाँ पहुंचे और माता के दर्शन किए। अब इस बार बताना चाहूंगा, इस बार जो ये शारदीय नवरात्रा है 10 दिन मनाया जाएगा और इसी का पर्व सुबह से शुरू हो गया था। अब मेहरानगढ़ स्थित माँ चामुंडा का जो मंदिर है वहाँ सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक पट खोले जाएंगे और दर्शन के लिए लोगों को अनुमति दिया जाएगा। जी में मां चामुंडा माता के मंदिर में भी दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी है जहां पे ट्रस्ट द्वारा माकूल व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही शाम 5 बजे तक मंदिर के पटों को खुला रखा गया है।